हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्वेश्चन हम आईआईटी जेम के ले रहे हो। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए होगा उसका भी आप कमेंट कर सकते हो। ये हमारे पास लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एफ टी बराबर टी स्क्वायर एंड लेट यू बी आर नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर। देन हमारे पास कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, एफ यू इज ओपन, F inverse U is open, F U is closed, F inverse U is closed। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इसको एक एग्जांपल गेम से समझते हैं। सॉल्व करते हैं। लेट U इज दिया हुआ है ओपन से ओपन सबसेट ऑफ R, तो हम U को डिफाइन कर सकते हैं A B, ये U को डिफाइन हो गया, तो यहां से हमारे पास F U क्या होगा? एफ यू जो होगा वो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बट फ्रेंड्स, अगर हम देखें लेट यू बराबर, अगर हम नंबर्स में एक एग्जांपल लें, यू बराबर माइनस फोर एंड फोर, ये हमने ले लिया, तो इस कंडीशन में एफ यू क्या होगा? एफ यू होगा, अगर देखें तो, क्योंकि यहां पे किस तरह से डिफाइन है, टी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर, तो यहां पे हमारे पास इसमें जब हम इसको देखेंगे तो एफ यू में जब नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो एंड सिक्सटीन, एंड जीरो शामिल होगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा और सिक्सटीन इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से जब हमारे पास एफ यू जो डिफाइन हुआ, ये ना तो हमारे पास ओपन सेट है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपन सेट होता तो इसमें जीरो को डिफाइन नहीं होना चाहिए था, और अगर क्लोज सेट होता तो इसमें सिक्सटीन को शामिल होना चाहिए था। तो यहां से एफ यू जो है ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है। अब हमें चेक करना है एफ इनवर्स यू इज ओपन एंड एफ इनवर्स यू इज क्लोज। इसमें कहीं ये नहीं दिया लेट यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर यहां पे हमारे पास एक जो कंडीशन है जो नहीं गिवन है, या शायद मैं लिखना भूल गया हूं, वो है हमारे पास अगर एफ इनवर्स इन्वर्टेबल हो, एफ इनवर्स इज इन्वर्टेबल इन आर, बेसिकली यहां पर मैं कह रहा हूं जो जीरो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन पे इन्वर्टेबल होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ इनवर्स की बात करें तो एफ इनवर्स यू को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वन सॉरी एफ इनवर्स अगर एफ जो है ए टू बी है, ए टू बी है अगर यू, तो उस कंडीशन में एफ इनवर्स यू को हम वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर दे सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। अब यहां पे हमें इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल की कंडीशन में जीरो इसमें शामिल होगा नहीं, जीरो इसमें शामिल होगा नहीं, तो यहां से ये यह होगा हमारे पास, और ए और बी जो है ओपन है, तो यहां से जीरो पे टेंड्स नहीं करेगा ये जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ टेंड्स होगा, और इसी तरह से जीरो टू वन अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो, तो यहां से हमारे पास जो इसका सेट हुआ जीरो टू वन अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये जो सेट है हमारे पास एफ इनवर्स यू, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन बी स्क्वायर है फ्रेंड्स। बट जब हमारे पास बी जो है इनफाइनाइट पे जा रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव इनफाइनाइट पे कोई सा भी जा रहा हो, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास जीरो की तरफ जाएगा, बट उस कंडीशन में ये हमारे पास जीरो पे नहीं टेंड्स करेगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब एफ इनवर्स यू जो है यहां से क्या शो हो रहा है कि ये ओपन सेट है, तो यहां से हमारे पास बी ऑप्शन जो है एफ इनवर्स इज ओपन और प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स, यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं कि एफ इनवर्स जो है ओपन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और चैनल सॉरी ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।